वेलकम बैक टू माय चैनल मशीन एंड मी। और जिस बाइक के बारे में आज हम लोग ढेर सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करने वाले हैं, मतलब उसका प्राइस क्या है, फीचर्स क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, वो है बजाज की तरफ से ऑल न्यू पल्सर NS160। तो वीडियो में फर्दर आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू थैंक सलूजा बजाज उन लोगों के शोरूम में आके उन लोगों के प्रोडक्ट के ऊपर उसको कॉन्टेंट बनाने का परमिशन देने के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सलूजा बजाज का कॉन्टेंट डिटेल्स डाल दूंगा। अगर आप बर्धवान के टेरिटरी से हो तो बेझिझक कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करके सीधे शोरूम पे पहुंच के अब लोगों का फेवरेट बजाज प्रोडक्ट्स को नजदीक से देखिए। सो हियर इट इज द ब्यूटीफुल बजाज पल्सर NS160 2023 एडिशन। वैसे तो इस बाइक में आपको ऊपर से ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, कुछ जगह को छोड़ के, पर इसमें बजाज ने बहुत सारे चेंज लेके आया है। एक एक करके बात करेंगे उसके बारे में। ओवरऑल इस गाड़ी का जो लुक्स है, ओवरऑल इसका जो प्रोपोर्शन है वैसे ही है, वही बहुत ही मस्कुलर लुक्स के साथ एक प्रोमिनेंट लाइन है, कट्स है, क्रीज है, जिसके लिए ये इस बाइक मार्केट में इतने दिन से प्रेजेंट है, फिर भी इसमें नयापन मौजूद है। अभी भी इसमें उतना ताजगी मौजूद है कि इसका क्रेज कम होने का नाम ही नहीं लेता। एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक में जो जो किच चाहिए सब कुछ इस बाइक ने बजाज ने भर भर के दिया है। वैसे तो इसके चेंज के बारे में अगर बात करें तो पहला जो मेजर चेंज आप नोटिस करोगे वो है इसके फ्रंट सस्पेंशन में। ये अभी एक USD फोर्क है। उसके बाद इसमें एक नया कॉन्सोल फीचर्स डाला ने बजाज वालों ने। गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर तो है, पेरीमीटर फ्रेम भी इस बाइक में है। इसका जो इंजन है ये अभी OBD2 कंप्लायंट एक इंजन है। नया स्टिकर का बहुत इस्तेमाल किया गया है। 3D एम्ब्लेम का जो कलर है उसमें भी चेंज आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो ये बाइक दो कलर में उपलब्ध है, एक है इबोनी ब्लैक सेटन और दूसरा है पर्ल मेटालिक वाइट। वर्तमान में इस बाइक का प्राइस पड़ रहा है एक शोरूम प्राइस 1,35,059। फ्रंट के डिज़ाइन के बारे में अगर बात करें तो वही एक ट्राइंगल शेप, एरो शेप एक्चुअली, बहुत ही अच्छा हेडलाइट यूनिट के साथ। पास में आपको एक स्टिकरिंग भी मिलता है, उसके साथ एक हैलोजन टर्निंग इंडिकेटर है। यहाँ पे एक कार्बन फाइबर फिनिश बजाज वालों ने दिया है, जिसके लिए इस बाइक का जो ओवरऑल जो लुक्स है बहुत ही स्पोर्टी फील कराता है। अब बात करते हैं इसके बारे में। यह एक 33 इनर ट्यूब डायमीटर वाला USD फोर्क। मेरे ख्याल से इसके लिए जो जो चेंज होने वाला है वो कमाल का है। उसके बाद यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS का स्टिकरिंग भी देखने को मिलेगा। और इस बाइक का जो फ्रंट डिस्क है वो है 300mm का। हालांकि बजाज ने एक चेंज इसमें और भी लाया है, वो है इसका कैलिपर में। ये अभी क्रेमिका का कैलिपर यूज़ करता है, पर पहले जो कैलिपर था वो बेब्रेक था, तो ये एक बात है। उसके साथ इसका जो फ्रंट वाला जो टायर है उसका डायमीटर है 100x80 सेक्शन का 17 इंच वाला। उसमें आपको ये रेड स्टिकरिंग देखने को मिलेगा। उसके साथ इसका जो एलॉय का डिज़ाइन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसका रिम का जो कलर है वो एक डार्किश शेड में है, उसके ऊपर इस रेड स्टिकरिंग के लिए इस फ्रंट से बाइक का जो लुक से बहुत ही अच्छा लगता है। अगर साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे ज़्यादातर स्टिकरिंग का ही चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे 160 का बैचिंग देखने को मिलेगा सिल्वर कलर में। यहाँ पे अगर आओगे आप तो रेड और सिल्वर का बैचिंग है, NS160 का बैचिंग है। उसके बाद यहाँ पे एक फेक एयर वेंट से इस तरफ भी है, और फ्रंट में अगर देखोगे तो वहाँ पे भी है। तो ओवरऑल इस बाइक का जो प्रोपोर्शन है, पर्सनली मुझे पूछो तो ये अब भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। उसके साथ इसका जो सीट है उसके ऊपर बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन किया गया है, और ओवरऑल राइडर पिलियन दोनों के लिए बहुत सारा रूम आपको देखने को मिलेगा। फिर इसका पैडिंग भी बहुत अच्छा है। अगर रियर की तरफ आया जाए तो ओवरऑल जो गाड़ी का डिज़ाइन है उसके साथ बैलेंस रखे इसका जो ग्रैब रेल है ये भी बहुत देखने में अच्छा लगता है। रियर का जो टेल लैंप है वही पुराना एक बूमरैंग शेप वाला टेल लैंप है, जो बहुत ही यूनिक अभी भी लगता है, बहुत प्रीमियम भी लगता है। उसके साथ एक हैलोजन टर्निंग इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे शाड़ी गार्ड भी है, और पैर रखने के लिए एक जगह भी आपको बजाज वालों ने फिट करके दिया है। उसके साथ एक बहुत बड़ा टायर हगर बजाज वालों ने प्रोवाइड किया है यहाँ पे। उसके ऊपर यहाँ का जो व्हील कवर है उसके ऊपर भी आपको कार्बन फाइबर का फिनिश देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर बाइक के दूसरी तरफ आया जाए तो 130x70 सेक्शन का 17 इंच का व्हील देखने को मिलेगा। उसके साथ 230mm का एक डिस्क देखने को मिलेगा। यहाँ का जो सस्पेंशन है ये नाइट्रॉक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर विद कैनिस्टर है, रेड कलर में ये बहुत अच्छा लग रहा है। उसके ऊपर
यहाँ पे नाइट्रॉक्स का जो कैनिस्टर का जो लोगो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बॉडी कलर का पैनल इसमें दिया गया है, पियानो ब्लैक कलर का, उसके साथ पैर रखने की जगह भी बहुत ही प्यारा है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ एक किक स्टार्ट भी देखने को मिलेगा, जो इस सेगमेंट में दूसरे कोई बाइक के ऊपर नहीं है। यहाँ पे आप ऑयल कूलर का बैजिंग देख सकते हो, मतलब ये बाइक बोल रहा है मैं ऑयल कूल्ड हूँ। तो अभी बात कर लेते हैं इस बाइक के हार्ट के बारे में, मतलब इंजन के बारे में। वैसे तो ये इंजन सेम ही है, पर ये अभी OBD2 मतलब E20 ऑयल कंपैटिबल है। हालांकि इस 160.3 cc इंजन जो है ये ऑयल कूल ट्विन स्पार्क 4 वाल्व FIDTSI वाला एक इंजन है, जहां से आपको 9000 RPM में 17.2 PS का पावर देखने को मिलेगा और 7250 RPM में 14.6 न्यूट्रोमीटर टॉर्क देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जहां पे हमको चेंज देखने को मिलेगा। पहले इसके गियर इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच मिलेगा, इग्निशन का स्विच मिलेगा, यहाँ पे आपको पास स्विच मिलेगा, अपर बीम लोअर बीम का स्विच है, ये टर्निंग इंडिकेटर का, ये हॉर्न का, ये एक बात है। अभी बात करते हैं मुद्दे के बारे में, इसका मीटर कंसोल के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है। वैसे तो ये जो डिजिटल एनालॉग डिस्प्ले है ऑरेंज कलर के लिए बहुत ही प्रीमियम फील कराता है। यहाँ से आप बहुत कुछ रीड आउट कर पाओगे, जैसे कि साइड स्टैंड का इंडिकेटर यहाँ पे है, गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर है, ट्रिप बी है, उसके साथ आपको ओडो मिलता है, टैको मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है। तो उसके ऊपर आपको यहाँ से और भी बहुत चीज़ मिलने वाला है। इस तरफ देखा जाए तो बहुत सारे इंडिकेटर है यहाँ पे। अभी इस न्यू कंसोल में आपको एक डिस्टेंस टू एमटी का फीचर्स देखने को मिलेगा, इंस्टेनियस फ्यूल इकोनॉमी आप रीड आउट कर पाओगे, उसके साथ एक एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी रीड आउट कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से इस तीन जो फीचर्स नया बजाज ने इसमें डाला है, इसमें इसका लुक्स वैसा ही है, पर इसका जो मॉडर्नाइजेशन है ये बहुत ही प्रीमियम होने वाला है। तो अभी इस 12 लीटर फ्यूल टैंक वाला बाइक का साउंड एक बार सुन लेते हैं। ओके, ओह साइड स्टैंड कट ऑफ, राइट। तो साइड स्टैंड डाला हुआ है, तो अभी बाइक स्टार्ट नहीं ले रहा है, तो अभी डबल स्टैंड में गाड़ी को खड़ा करेंगे, फिर स्टार्ट देंगे। तो मेरे ख्याल से कुछ कुछ बंदे होते हैं ना, मैं भी कभी कभी कर लेता हूँ, साइड स्टैंड में डाल के गाड़ी को स्टार्ट करके भगाना शुरू कर देता हूँ। तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा फीचर है ये। तो अभी डबल स्टैंड करते हैं, फिर बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो ये था कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेटिव वाला एक वर्कआउट। अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आए, इंफॉर्मेटिव लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये प्रोडक्ट कैसा लगा वो भी मेंशन कर देना। बहुत जल्दी दूसरे के कंटेंट के साथ फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।